हेलो, आपका हाल दोस्तों। आइए हम बोलते हैं आज का स्ट्रेंथ का जो प्रश्न 8.4 चल रहा है उसका हम लोग 5 का आज 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे जो सिंपल और आसान भाषा में करेंगे। सिद्ध करने वाला है क्या प्रूवडेट करना है, कह रहा है कि 1 + sec a / sec = sin² a / 1 - cos² a लाना है। बहुत सिंपल है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कह रहा है एक निर्देश भी दे दिया है संकेत में, क्या कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करना है। यानी कह रहे हैं कि बायां पक्ष को अलग हल कीजिए और दायां पक्ष को अलग, लेकिन दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए, लेकिन बोर्ड में ऐसे सब निर्देश नहीं देता, आपको डायरेक्टली हल करना होता है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं, सिंपल है। पहले हम लोग LHS उठाएंगे। देखिए LHS में देखिए आपको क्या दिया हुआ, LHS 1 + sec / आपको sec। देखिए sec का आंसर किस में चाहिए, कॉस में। किस में चाहिए, कॉस और साइन के क्रम में आंसर चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। sec को साइन और कॉस को ही क्रम में बदल दीजिए, बेचारा आंसर आ जाएगा ना आ जाएगा। देखिए टारगेट का मतलब होता है कि sec का आंसर कॉस नहीं, तो यानी सभी sec का मान बदल बदल कर हम लोग कॉस जानते हैं ना, हम अच्छी तरह जानते हैं। LHS को हल करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यानी 1 + sec a / sec a तो हम कैसे हल कर जानते हैं, फॉर्मूला एक पड़े है ना, sec a बराबर क्या होता है, तब कैसे नहीं तो कॉस का भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉस ही लिख सकते हैं इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। जहाँ 1 + 1 / cos a, क्यों a के फॉर्म में लिख रहे थे कि cos चाहिए ना, अब sec का फिर इसको लिए 1 / cos a। अब मजा की बात यह है ससुर तो एक प्लस में है तो जुटेगा ना, एलसीएम कर लीजिए भीम का, ऊपर वाले को हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए क्या कितना आ जाएगा, यह हमारा cos a हो जाएगा, इससे किए तो cos a प्लस का 1 हो जाएगा, बटा या बटा में है 1 / cos a तो 1 / cos a। तो एक और मजा की बात है, जब बटा में cos cos हो तब के चाहे ऊपर वाला के बराबर तो भी कैंसिल हो जाता, अच्छा नीचे वाला के बराबर तभी नीचे से नीचे कैंसिल हो जाए, बेचारा बचेगा क्या, तो बेचारा हमारा बचा cos a प्लस 1 बचा। अब बटा में एक तो लिखा, यानी हमने LHS को हल किया तो cos a प्लस 1 आया। आज देखिए खुद ही कर रहा था बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका दायां पक्ष को यानी RHS को, यानी राइट हैंड साइड, RHS का मतलब समझता है ना, राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये भी सोच रहा बहुत आसान है, देखिए कैसे यहाँ पर लिखा है sin² a / 1 - cos² तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको चाहिए आप देखिए इसके बराबर करना है, ब्रैकेट में जो लिखा है इसी के बराबर, दोनों का आंसर एक समान आएगा तभी यह सही है वरना कैंसिल, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं sin² a। इसका बताइए कोई cos का फॉर्म में इसका आंसर होता है, तो भैया हो सर होता है नहीं जानते हैं आप लोग जन्मे करते हैं, आप लोग जन्मे करते हैं sin² a / 1 - cos² a रोगा करा जाता है इतना होता है ना, जबकि इसके ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो साइन का आंसर कॉस में लिख दीजिए, 1 - cos a / क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा क्या आपको, हो जाएगा यहाँ पर 1 - cos। ध्यान रखना बात को, टारगेट जो है वो दिमाग में फिट होना चाहिए तभी आएगा। अब तो बेचारे दोनों तो आ ही रहा, लेकिन वो उससे तो यहाँ पर तो प्लस में चाहिए, इसे जो हमने माइनस में लिख दिया, कोई दिक्कत, स्क्वायर लगा है तो काम कर दिया स्क्वायर, तो आसान क्योंकि एक के ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अगला में क्या एक स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आपको हो सर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि पता एक का भी स्क्वायर करेंगे दो बार गुणा, देखिए एक का स्क्वायर करें तभी तो एक में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बैठ जाएगा a² - b² फॉर्मूला, क्या पढ़े ना इसे, ये फॉर्मूला a² - b² = a + b * a - b होता है कि नहीं होता, अब ये सर होता है ना, लगा दीजिए। अब कहे सोचते हैं एक 1 + cos a हो जाएगा इंटू 1 - cos a, अब बटा हो जाएगा 1 - cos a। आपको ये सर इतनी इंटू में है ना, एक उससे एक कैंसिल, अरे इसमें इंटू में लगा तो कुछ ना तो एक से गुणा रहता है ना, अब बचा कौन तो 1 + cos a, अरे इसका आ गया है, अरे सुधार कर लिख दीजिए, लो सुधार कर लिख दो cos a + 1। देखिए तो दोनों बराबर आया है कि नहीं आया, और दोनों बराबर आ गया इसका मतलब इसके नीचे दिखाएगा LHS = RHS, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करो तो भूलिएगा मत। जय हिंद, जय भारत।